नमस्कार दोस्तों, आज हमने पर्यावरण का अध्याय शुरू किया है और पर्यावरण आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा और चीज़ें थोड़ा सा कवर भी होती चली जाएंगी, क्योंकि परीक्षाएं पास में भी अगर देखें तो PCS IAS जैसी परीक्षाएं लगी हुई हैं, उनको देख करके मैंने पर्यावरण क्लास शुरू किया है। अब अगर जो आप गौर करेंगे पिछली परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं और कोई भी स्तर की रही हो, चाहे वो छोटे स्तर की रही हो चाहे बड़े से बड़ी स्तर परीक्षा रही हो, सब में पर्यावरण का दायरा थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है। सभी परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे जा रहे हैं, तो उसी को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो आज हम पर्यावरण के बारे में बताएंगे, पर्यावरण क्या है इसके बारे में बताएंगे। अगर जो आप गौर करें PCS की IAS की जैसी परीक्षाओं में, जैसे 2016 का प्रश्न पेपर लीजिए, 17 का लीजिए, थोड़ा सा इसमें अगर हम देखेंगे तो बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर हम देखें किसमें पर्यावरण के प्रश्न थोड़े से बढ़ गए हैं, और पर्यावरण दरअसल पहले कोई विषय के तौर पर तो कोई पढ़ता नहीं था, सब समझते थे क्या आएगा, 2-3 क्वेश्चन आ गए तो आ गए भाई, थोड़ा बहुत जय श्री राम के नाम पे लगा देंगे, ऐसे ही चल जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप ऐसे नहीं लगा सकते, प्रश्नों का दायरा भी बढ़ गया है और दूसरी चीज़ पैटर्न भी बदल गया है, पढ़ के बिना आप समझे उसको नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि घटना चक्र लगा के चले गए और आप सब कुछ करके निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चीज़ें क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा, और चीज़ों को समझने से सबसे अच्छा तरीका है कि सरल से सरल तरीके से समझा जाए, तो उसी को लिए हम आपको लेकर के आए पर्यावरण। तो हम शुरुआत करेंगे पर्यावरण से। पर्यावरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। अब देखेंगे जो शब्द है, इन्वायरनर एक शब्द है। ये कैसा शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है इन्वायरनर, जिसका मतलब होता है घिरा हुआ। मतलब इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति अगर हम देखेंगे तो फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरनर से हुई है, जिसका मतलब क्या है, घिरा हुआ। क्या मतलब है, घिरा हुआ। अब बात आती है आखिर पर्यावरण है क्या चीज। अगर जो हिंदी में देखें तो पर्यावरण बोलते हैं, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, परि मतलब घिरा हुआ, आवरण मतलब चारों तरफ से, पर्यावरण मतलब घिरा हुआ चारों तरफ से, क्या घिरा हुआ, तो उसको पर्यावरण कहते हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है, पर्यावरण क्या, घिरा हुआ, ये शब्द से उत्पत्ति हुई है। अब लेकिन कुछ हम डिफिनेशन की बात करेंगे तो जैविक और अजैविक घटक, मतलब पृथ्वी पर जो भी जैविक और अजैविक घटक और उनके आसपास के वातावरण का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरण। जैविक और अजैविक घटक एवं उसके आसपास का वातावरण सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब दरअसल अगर जो हम देखें पुरानी तरफ रुख करते हैं, इतिहास की ओर चलते हैं, तो अगर जो हम देखेंगे तो आदमी क्या था, पहले आदमी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मतलब प्रकृति से जितना देता था उतना ही लेता था, वो क्या प्रकृति की पूजा किया करता था। लेकिन अब वर्तमान में अगर जो हम देखेंगे तो पर्यावरण क्या है, अब आदमी क्या करता है, पर्यावरण में दखल देने की कोशिश करता है कि नहीं, हम क्या करेगा, इंडस्ट्री स्थापित करेगा और पेड़ पौधों को काट करके खेती करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, पर्यावरण का ह्रास होता है। और जो किसी चीज़ में जब पर्यावरण का ह्रास होता है तो प्रकृति अपने आप को संतुलित जरूर करेगी, और प्रकृति जब संतुलित करती है तो आदमी को भी संतुलित करते हुए चली जाती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर जब प्रकृति की जब मार पड़ती है तो उसके सामने आदमी भी क्या बौना नजर आता है। तो टेक्नोलॉजी का दौर तो चल रहा है, आदमी भी धीरे धीरे अपने विकास के मार्ग पर भी अग्रसर है, धीरे धीरे एक प्रकार से कह सकते हैं तेजी भी ले आया है, लेकिन क्या उसको ले करके अगर जो विकास कर भी रहा है तो प्रकृति बीच बीच में संतुलित भी कर देती है, जैसे उत्तराखंड की त्रासदी वगैरह। तो ये क्या है, हम लोगों की देन है त्रासदी, कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के इसमें नहीं दखलंदाजी दे रहा। कहने का मतलब है कि सब कुछ यहीं के लोग कर रहे हैं, उत्तराखंड जैसी त्रासदी की देन हम ही लोग हैं। तो जब प्रकृति संतुलित कर रही है तो प्रकृति की मार तो झेलनी पड़ेगी। लेकिन अब वर्तमान में सरकारों ने क्या किया है कि पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के क्या किया है, बहुत से कार्य किए जाते हैं पर्यावरण को संरक्षण। आप अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, जैसे पर्यावरण अधिनियम वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा इनके बारे में क्या क्या सरकार कौन सी योजना चला रही, केंद्र सरकार कौन सी चला रही, राज्य स्तर पे क्या कार्य किए जा रहे हैं और वैश्विक स्तर पे इसके लिए क्या, आप जानते होंगे वर्तमान में देखिए जलवायु सब परिवर्तन क्या बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में, कोई ना कोई सम्मेलन होता रहता है जलवायु से रिलेटेड। तो उन सब चीज़ों को आप करंट अफेयर की चीज़ें हैं। पर्यावरण दरअसल एक प्रकार से कह सकते हैं बदलता रहता है, पर्यावरण नहीं सब्जेक्ट के तौर पे बदलता रहता है, उसमें बहुत सी चीज़ें नई नई आकर के जुड़ती चली जाती हैं। पहले क्या था, नॉर्मल में लोग पढ़ के निकल लेते थे, पर्यावरण से ज़्यादा प्रश्न आते नहीं थे, लेकिन अब दायरा बढ़ रहा है और इसको करंट से भी काफ़ी ज़्यादा अटैच किया जाता रहा है। तो हम जब भी आगे पढ़ाएंगे तो उसको करंट से भी अटैच करते हुए चलेंगे, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वैश्विक स्तर पर इस पर कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं उनको भी हम आगे बताएंगे। तो
सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पर्यावरण से। पर्यावरण जैसे मैंने बताया है क्या है, परि प्लस आवरण, फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरमेंट से बना हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम देखेंगे पर्यावरण में सम्मिलित कौन कौन से, पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की जाती हैं। पर्यावरण मैंने बताया जैविक और अजैविक घटक और आसपास के वातावरण को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक जो शब्द यूज हुआ है, तो आखिर घटक हैं कौन से, जैविक अजैविक घटक। जैविक घटक की बात करेंगे तो कौन से आएंगे, जैविक मतलब जीव, जिनमें जीवन हो, क्या है जैविक घटक हैं। जैसे जैविक घटक को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है जंतु एक वनस्पति। जंतु और वनस्पति क्या है, जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। एक अभी आएंगे सूक्ष्म जीव, उनको भी मैं बताऊंगा आगे। अब घटक डिकम्पोजर जिनको कहते हैं, तो हम सबसे पहले देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी दी है ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि अगर जो मैं स्टेंट यहाँ पे लिखता चला जाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने क्या किया कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख भी दिया, बाकी मैं बताऊंगा। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे पर्यावरण, पर्यावरण को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक है भौतिक या अजैविक संघटक, भौतिक अजैविक में हम देखेंगे भौतिक या अजैविक, या एक प्रकार से अजैविक को ही वही भौतिक है। नेक्स्ट जैविक संघटक, जैविक संघटक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, वनस्पति संघटक और जंतु संघटक, इसमें अपघटक भी आ जाता है, अभी हम बताएंगे उसको। एक मैंने ऊर्जा लिखा हुआ है, फिगर सामने बना हुआ है। अब इसमें समझिए, इस जैविक घटक को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, मैप में देखिए ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है और वायुमंडल है। अब वनस्पति जगत और जंतु जगत सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, जीव मंडल, जीव मंडल। तो ये क्या है, पूरा जीव मंडल, यहाँ पे खरगोश भी है, पेड़ भी है, घास भी है, सब कुछ है, क्या है, एक जीव मंडल है। तो ये जो जितनी भी सभी आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वातावरण, वातावरण मतलब गैसें, वातावरण। तो आसपास की जो चीज़ें हैं क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं, सब एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। प्रभावित कैसे करती हैं, जैसे भी मान लीजिए ठंडी का मौसम आ जाए तो सूरज की किरणें क्या होंगी, कम पड़ना शुरू होंगी। जब कम पड़ना शुरू होंगी तो क्या होगा, आप लोग तुरंत जैकेट वैकेट पूरा पहन के और स्वेटर वेटर निकल आएंगी तुरंत। इसका मतलब क्या है कि अजैविक घटक कहीं ना कहीं हमें प्रभावित भी कर रहा है। अजैविक घटक हमें क्या कर रहा है, मतलब सूर्य क्या कर रहा है, हमें प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। सूर्य, सूर्य की उष्मा मतलब ऊर्जा हमें क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, इसीलिए तो हम रजाई वगैरह ओढ़ रहे हैं, ये क्या है? लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, इस टाइम का मौसम ले लीजिए, गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, जब गर्मी बढ़ेगी तो उसी तरीके से टेम्परेचर जब बढ़ता जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रजाई वजाई रख देंगे। इस समय जब रजाई वजाई सब रख दी गई तो क्या होगा, हम लोग अपने आप को ढाल लें, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रकृति हमको एक प्रकार से कहें कि अजैविक घटक भी हमें प्रभावित कर रहे हैं। मान लीजिए आप टुंड्रा क्षेत्र में रहते हैं तो आप क्या होंगे, गोरे दिखेंगे। अगर जब आप विषुवत रेखीय क्षेत्र में दिखते हैं तो सांवले काले दिखेंगे। तो ये क्या है, एक कहीं ना कहीं एक प्रकार से कहें अजैविक घटक हमें क्या कर रहे हैं, प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। सभी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, सभी चीज़ें क्या करती हैं, हमें प्रभावित करती हैं। एक प्रकार से हम कहीं ना कहीं कहें तो हमें वनस्पति जगत के साथ साथ, मतलब एक प्रकार से कहें वनस्पति और ये जो जितने भी जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ होते हैं प्रकृति के तौर पर प्रभावित कर रहे हैं, कुछ मानवीय गतिविधियों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, दोनों तरीके से प्रभावित होते हैं। अब अगर जो पहले लेंगे इतिहास में, तो मानव क्या था, मानव कहता था भाई हम उतना लेंगे जितना हम दे सकते हैं, उतना ही हम आपसे प्रकृति से लेंगे, हमारी क्या पूजा करेंगे। लेकिन वर्तमान में क्या, आदमी विकास के दौर में क्या कर रहा है, प्रकृति को भी अपना स्वामी मान रहा है, प्रकृति उसके नीचे है, उसको भी स्वामी मान के चल रहा है। खैर इसका आगे भया हुआ संकट आपको देखने को मिलेगा। तो हम आते हैं देखते हैं वनस्पति संघटक और जंतु संघटक, मुख्य रूप से इसका हम डिवीजन करके देखते हैं कि चीजें हैं क्या चीज। देखिए सबसे पहले हम लेंगे स्थलमंडल, स्थलमंडल, स्थलमंडल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी। स्थलमंडल पे क्या, जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं स्थलमंडल में, मिट्टी ऊपरी लेयर। अब कहीं ना कहीं अगर देखें तो स्थलमंडल से मानव क्या है, जुड़ा हुआ है। मानव स्थलमंडल से क्या जुड़ा हुआ है, पूरी तरीके से कहें जुड़ा हुआ है। खेती करेगा, खाना पीना सब उसका क्या होता है, अधिकतर उसको जल स्थलमंडल से ही मिलता है। स्थलमंडल से क्या, खेती भी करेगा, जो कुछ भी क्रियाएं उसकी क्या स्थलमंडल पर ही होती हैं। लेकिन जलमंडल की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसको सब कुछ स्थलमंडल से मिलता है, हम मानव के संदर्भ में ले रहे हैं अभी। तो जलमंडल से भी वो प्रभावित होता है, जलमंडल, जलमंडल से कैसे प्रभावित हो रहा है, जलमंडल से प्रभावित हो रहा है मछली का उत्पादन, पानी वानी सब उसको कहाँ, जल से ही तो मिल रहा है उसको, सब कुछ चीज़ें जल से ही डिपेंड करती हैं। जल से भी क्या हो रहा है, जल से भी डिपेंड करते हैं। अगर जब देखेंगे तो शैवाल वगैरह जब जल में मिलते हैं सर्वाधिक कार्बन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है हम लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपस्थित हो पाती है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से जंतु संघटक
हमें क्या एक प्रकार से कहें जलमंडल भी प्रभावित कर रहा है, हमारे प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। वायुमंडल में हम देखेंगे तो वायुमंडल को भी हमें प्रभावित करती है। वायुमंडल की बात करेंगे तो हम लोग सांस लेते हैं, जितनी भी जैविक क्रियाएं एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोग सांस लेंगे, सब कुछ जो भी करते हैं वो क्या होता है हवा में ही, हवा नहीं तो आप कुछ भी नहीं। एक मिनट अपना सांस रोक करके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको वायुमंडल समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि आखिर वायुमंडल है क्या चीज़। तो चीज़ें एक प्रकार से कहेंगे कि सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ये क्या पूरा सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल सब एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जल मंडल जंतु से प्रभावित नहीं हो रहा है, उससे भी प्रभावित हो रहा है जल मंडल, सब पे उसी पे डिपेंड कर रहा है। आदमी क्या कर रहा है, आदमी धीरे धीरे अगर हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर किसका भाग है, स्थल का भाग है, ग्लेशियर स्थल का भाग है, पिघले तो पानी कहाँ पहुँचा, जल पहुँच गया मान लीजिए जलमंडल में, मतलब समंदर पहुँच गया, तो समंदर का स्तर क्या हो गया, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या हुआ, एक दूसरे से प्रभावित हुए कि नहीं हुए, जलमंडल और स्थल मंडल दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। वर्षा, मिट्टी, जितने भी प्रकार के अजैविक जिनमें जीवन नहीं है वो सभी किस में आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, ऐसा नहीं कि इसमें और भी डिवीजन नहीं होगा। मिट्टी वगैरह, पानी वगैरह, ये सब कैसे हैं, सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम अगर जो जैविक घटक की बात करेंगे तो उसको मुख्य रूप से दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, वनस्पति जगत संघटक और जंतु संघटक, मुख्य रूप से दो प्रकार से। वनस्पति संघटक मतलब कि पेड़ पौधे, वनस्पति संघटक मतलब पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों, अब पेड़ पौधों पे हम कैसे आश्रित हैं, जितने भी समस्त जंतु हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पेड़ पे आश्रित जरूर हैं, क्योंकि वो ऊर्जा हमको मिलती कहाँ से, पेड़ पौधों से ही मिलने का कार्य करती है। अगर हम देखेंगे, देखिए मान लीजिए कोई ये सूर्य है, सूर्य ने क्या किया, सूर्य से ऊर्जा आई, ऊर्जा को किसने लिया, पौधों ने लिया, पौधों के पास है, पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या किया, भोजन बनाया। अब भोजन को कौन खाएगा, शाकाहारी, और शाकाहारी या मांसाहारी, नेक्स्ट चैन इसी में चलेगी, मांसाहारी शाकाहारी वगैरह। लेकिन अब क्या होगा, शाकाहारी के बाद क्या होगा, अपघटक आएंगे, अपघटक, अपघटक देखिए, अपघटक क्या कर रहे हैं, पौधों का भी अपघटन करेंगे और मांसाहारी जीवों का भी अपघटन कर देंगे। तो क्या होंगे, अपघटन करके कहाँ लेके जाएंगे, मिट्टी मिला देंगे, मिट्टी मिला देंगे, मिट्टी क्या करेगी फिर, पौधों को वही क्या करेगी, ह्यूमस के रूप में देने का कार्य करेगी। देखिए सब जुड़ा हुआ है, वनस्पति संगठक, जंतु संगठक भी एक दूसरे से क्या है, आपस में जुड़े ही हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े रहते हैं, कोई भी चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे वो वनस्पति के संगठक हो चाहे जंतु संगठक हो। जंतु मतलब वही जितने भी जीव आ जाएंगे, जीव नहीं, जंतु जिसमें आते हैं, और जीव में तो खैर वनस्पति जंतु दोनों आ जाएंगे। इसमें एक और होता है जिसको बोलते हैं अपघटक। अपघटक क्या करेगा, देखिए कोई भी जो भी जीव पैदा हुआ है वो अपनी एक अंतिम अवस्था में क्या करेगा, मरेगा जरूर, वो तो प्रकृति का नियम है, मरना जरूरी है। तो जब मरेगा तो मर के हमेशा, ऐसा तो है नहीं कि उसकी लाश वैसे ही पड़ी रहेगी, धीरे धीरे क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी। उसको कौन खत्म करेगा, उसको खत्म करते हैं अपघटक। अपघटक क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में कार्बन के टुकड़ों में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो आगे चल करके पौधे फिर ह्यूमस के रूप में लेते हैं। एक चक्री क्रम चलता है, खैर उसको हम आगे बताएंगे वीडियो में कैसे चलता है। तो ये क्या एक प्रकार से पूरा चक्र चल रहा है, एक प्रकार से कहें कि वनस्पति संघटक, जंतु संघटक और अपघटक सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं। सभी एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं और करते भी हैं। ये तो जैविक संघटक के अंतर्गत आते हैं। वनस्पति संघटक को और डिवाइड कर दीजिए तो इसको और पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को और हम डिवाइड करते तो इसको तीन पार्ट में किया जा सकता है। जैसे भूमध्य रेखी या सदाबहारी भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखी के बाद अगर जो हम देखेंगे, या उष्णकटिबंधीय भी कह सकते हैं, फिर शीतोष्ण के बाद टैगा के बाद टुंड्रा, ये सभी कैसे हैं, ये सब वनस्पति संघटक के अंतर्गत आते हैं, मतलब कह सकते हैं वनस्पतियों के अंतर्गत ही आते हैं। संगठक शब्द का वर्ड है इसलिए यूज किया गया क्योंकि वो उसके कंपोनेंट्स हैं, कैसे कैसे उसमें डिवीजन किया जा रहा है उसके आधार पे, इसको याद रखिएगा। वनस्पति संगठक हैं मतलब किनसे वनस्पति वगैरह कैसे कैसे इसमें एक लेवल चलता चला जाएगा तो उसको हम देखेंगे। अब फिगर बना हुआ है,
अब जैसे स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जीव मंडल है, इसको इस तरीके से कर दीजिए, गोला खींच दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? बायोम बन जाएगा। नाम सुनोगे टुंड्रा बायोम, तैगा बायोम, ये बायोम शब्द की अवधारणा भी आती है, जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल सब सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? एक बायोम कहलाता है। जैसे टुंड्रा, हर एक वनस्पति अपने आप में कुछ कहती है। आप कोई भी पौधा लीजिए, अपने आप में कुछ कह रहा होता है, बशर्ते आप उसको समझना जानते हो। मान लीजिए आप कहीं टैगा क्षेत्र में चले जाइए, टुंड्रा क्षेत्र में चले जाइए, तो आपको वनस्पतियाँ जो मिलेंगी वो कैसी होंगी? वो नुकीली होंगी, वो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालना जानती हैं। क्या करती हैं? वनस्पति की अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या ढालना जानती हैं। वो नुकीली बन गई ताकि उस पर क्या हो, नुकीली इसलिए बन गई ताकि उन पर बर्फ ना टिक सके, वो क्या हो, नीचे गिरती चली जाए। बर्फ टिकेगी तो क्या होगा, ठंडा पौधा ठंडा हो जाएगा, उसका क्या होगा, पानी क्या होगा, जमने लगेगा, तो पत्तियां गिरा देंगे। मतलब पत्तियां गिराने का नहीं, सेंस में कहने का, मतलब पत्तियां नुकीली होती हैं। जैसे आप स्प्रूस, देवदार, चीड़ वगैरह के पौधे देखिए तो आपको देखने को मिलेंगे, तो सब इसी के उदाहरण हैं। अब बात आती है दूसरी तरीके से हम देखें, ये तो हो गई मैंने आप कहेंगे टुंडा का उदाहरण दिया, अब आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, रेगिस्तान में ले लीजिए, ले जाइए रेगिस्तानों में क्षेत्रों में देखिए पौधे मांसल आपको दिखेंगे। तो मांसल दिख रहे हैं तो कैसे मांसल हैं? मांसल दिखते हैं ताकि उनके क्या हो कि उनकी नमी बरकरार रहेगा, जो पत्तियां वगैरह होंगी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तेजी से होगी, उनकी पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, पौधे मांसल दिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नागफनी ले लीजिए। तो ये सब कैसे हैं? सब अपने अकॉर्डिंग ढालना जानते हैं, कैसे हमें ढालना है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं प्रत्येक पौधा अपने आप में कुछ कह रहा होता है, बशर्ते आप उसको समझना जानते हो। तो ये चीज़ें हैं बायोम, बायोम की उदाहरण दरअसल मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा बायोम होता क्या है, कैसे कैसे चीज़ों का डिवीजन किया गया है। अब हम इन पे ऊर्जा, जो मैंने एक शब्द लिखा है ऊर्जा, उसको मैं देख लूँ आखिर ऊर्जा का इन पे प्रभाव पड़ता क्या है, ऊर्जा का इन सब पे प्रभाव क्या पड़ता है, जितने भी जीव हैं ऊर्जा, ऊर्जा को मतलब अगर जो हम देखें पृथ्वी पर अंतिम स्रोत ऊर्जा का सूर्य ही है, सूर्य के अलावा कुछ भी नहीं है, तो डिवीजन करते चले जाइए, लेकिन अंतिम अगर जो हम देखेंगे तो सूर्य, सबकी ऊर्जा सूर्य पर डिपेंड करती है। जब एक हम भूतापी ऊर्जा, वो भी सूर्य से ही मिली हुई है, खैर मुझे तो हम देखते हैं ऊर्जा, ऊर्जा हमें कैसे प्रभावित कर रही है, या एक प्रकार से ऊर्जा हमें तापमान मतलब कि हमें एनर्जी के रूप में मिल रही है तो कैसे कैसे प्रभावित कर रही है। स्थल मंडल पे हम देखते हैं सबसे पहले ऊर्जा का प्रभाव क्या पड़ता है। हमने जैविक संगठक वनस्पति और जंतु का तो देख लिया कि जैसे यहाँ पे वनस्पतियों की उसी तरीके से ये डिपेंड करेगा, कहाँ पे सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रभावित करने का कार्य करते हैं, एक दूसरे से क्या सम्मिलित रूप जो है वही पर्यावरण है। ऊर्जा को हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ऊर्जा के बारे में ऊर्जा क्या कह रही है। देखिए अब अगर जो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, स्थल मंडल कैसा बनेगा? टेम्परेचर जब ज़्यादा बढ़ेगा तो स्थल मंडल कैसा बन जाएगा? वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होगा। ऊर्जा मतलब एनर्जी ज़्यादा मिली, मतलब तापमान का होगा, जो एक प्रकार से ऊर्जा भी हमें ताप के रूप में मिल रही है, तो जैसे तापमान बढ़ेगा क्या होगा, उसी तरीके से कह सकते हैं कि क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। जैसे स्थल मंडल के ले लीजिए, स्थल मंडल में अगर जो लेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, हल्की सी कम गर्मी है तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सब किस पे, ऊर्जा पे डिपेंड कर रहे हैं, क्या ऊर्जा पे डिपेंड करते हैं। अब देखिए जलमंडल का कैसे ताप जलमंडल को प्रभावित कर रहा है, जलमंडल अब देखिए प्रकाश के आधार पर भी जलमंडल का डिवीजन किया जा सकता है। देखिए कौन कौन से हैं, अगर जो हम देखें जैसे मान लीजिए ये कोई स्थल है, ये कोई जलमंडल, जैसा फिगर बना उसी तरीके से इधर भी देख लीजिए, ये जलमंडल है। जलमंडल में बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होंगे, बिल्कुल सतह पे पाए जाएंगे। ताप मतलब देखिए प्रकाश का प्रभाव सीधे पौधों पे तो पड़ता ही है, लेकिन जलमंडल में भी देखने को मिलेगा। जलमंडल की वनस्पतियां सीधे पौधों पे ही डिपेंड करती हैं, डिपेंड करेंगी। देखिए पहला मैं डिवीजन करूंगा तो होगा, इसको बोलते हैं पहला डिवीजन हम देखें तो वेलांचली क्षेत्र बोला जाता है। इसमें कैसे वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें जड़ें वगैरह पाई जाती हैं, बिल्कुल छिछला पानी, बिल्कुल छिछला, वनस्पतियां जल में तो उग रही लेकिन पानी बिल्कुल क्या है, छिछला रहता है, उस क्षेत्र क्या बोलते हैं, वेलांचली क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वेलांचली के बाद का क्षेत्र आता है, इसको बोलते हैं सरोजावी क्षेत्र। सरोजावी क्षेत्र, सरोजावी क्षेत्र क्या होता है, सरोजावी क्षेत्र में प्लैंकटन वगैरह देखने को मिलते हैं। देखिए जानते होंगे प्लैंकटन भी दो प्रकार के, एक जू प्लैंकटन, एक फाइटो। जू क्या है, जंतु है, फाइटो क्या है, वनस्पति के अंदर इस पर तैरते रहते हैं। इसके बाद कि फिर गहरा समुद्र शुरू हो जाता है, उसके में उसमें प्रकाश अंदर पहुंच नहीं पाता है। सब कुछ डिपेंड करता है प्रकाश के ऊपर, जैसा प्रकाश पहुंचेगा उसी तरीके से उस पर डिपेंड करेगा। पौधों को अगर जो हम देखेंगे तो वनस्पति संगठक में पौधों को अगर जो प्रकाश ऊर्जा कैसे प्रभावित करती,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधों में पुष्पन, पौधों में बीज वगैरह आना, पौधों की हर चीज़ें प्रकाश पर डिपेंड करती हैं। अगर जो प्रकाश है तभी पौधे हैं, तभी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं प्रकाश है तभी सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जंतु संगठक, जंतु को भी प्रकाश से इनडायरेक्टली प्रभावित करने का कार्य करता है, क्योंकि इनडायरेक्टली तौर पर मनुष्य डायरेक्ट कहेंगे तो वनस्पति पर डिपेंड है, ऐसा नहीं कि शेर अगर वनस्पति कट जाए तो शेर जिंदा रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शेर वनस्पति कटी तो हिरण नहीं, हिरण नहीं तो शेर नहीं, उसी तरीके से मनुष्य नहीं, वनस्पति नहीं तो कोई भी नहीं। तो वनस्पति वनस्पति है किसकी वजह से? ऊर्जा मतलब सूर्य की वजह से, सूर्य की वजह से तो वनस्पति है, वनस्पति है तो जंतु हैं। क्या हो रहा है? एक प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण में जैसे मैंने पहले बताया था, जैविक तथा अजैविक घटक तथा पर्यावरण को समृद्ध रूप से जिसमें क्या करते हैं, समृद्ध रूप क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब दरअसल इन चीज़ों में बस इतना ही आप याद रखिएगा। खैर इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अभी देखते हैं चैप्टर कौन कौन से पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको हम बताते हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं, चैप्टर की बात करेंगे। मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र अगर जब देखेंगे तो पूरे पर्यावरण करीब 50% एरिया कवर करता है। पारिस्थितिक हम पर्यावरण बोलते भी हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को, बहुत ही डीप में, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के बाद आएगा जैव विविधता, जैव विविधता के बारे में हम लोग देखेंगे, जैव विविधता कौन कौन सी होती है, अल्फा विविधता, गामा विविधता, इसके बारे में भी देखेंगे कौन कौन सी विविधताएं, जैव विविधता का क्या प्रयास किया जा रहा है इनके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में आएगा प्रदूषण, प्रदूषण हम लोगों को पढ़ना है, प्रदूषण के बारे में हम बताएंगे आपको। प्रदूषण, प्रदूषण के बाद में अगर हम देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, ओजोन परत के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ना है। ओजोन क्या हो रही, ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रही, खत्म होती चली जा रही, सिकुड़ती चली जा रही, उसके बारे में देखेंगे, ओजोन परत के बारे में मैं बताऊंगा। और हम देखेंगे तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह पढ़ना है, कौन कौन से संगठन है उनके बारे में पढ़ना है। तो ये सब और भी चैप्टर हैं, बायोम वगैरह ये हमें देखना है, और मुख्य रूप से इतने ही चैप्टर जो पर्यावरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह जो भी इस पर आयोजित किए गए हैं उनको मैं बताऊँगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और मेन टॉपिक जो होगा मेरा कल से पारिस्थितिक तंत्र वो शुरू होगा। ये मेरा एक इंट्रोडक्शन था पर्यावरण को लेकर के, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।